हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम हैरी पॉटर मूवीज के उन डिटेल्स की बात करेंगे जो कई लोगों ने इसे मूवी देखते टाइम मिस कर दिया होगा, पर इन डिटेल्स को बहुत ही ब्यूटीफुली मूवी में डाला गया है। वैसे तो ऐसे बहुत से डिटेल्स की बात हम पहले भी कर चुके हैं कई वीडियो में, जैसे नेविल का रिमेम्बर ऑल रेड क्यों हुआ था, सीरीज में 7 नंबर की क्या इम्पोर्टेंस है, डेथली हैलोस के फाइटिंग सीन का ऑर्डर, न्यूट का मेरोडस मैप में दिखना, विजिटिंग वर्ल्ड का नाश्ता और कुछ सीन्स ऐसे भी रहे हैं जिसका जिक्र कई दूसरे चैनल वालों ने भी कर दिया है, जैसे स्नेप का कैरोस को अनकॉन्शियस करना, डेथली हैलोस सिंबल का डंबलडोर के कैबिनेट में दिखना, लीकी कॉल्ड्रन का तब दिखना जब हैरी और हैग्रिड उसके पास पहुंचे थे, और कुछ ऐसे सीन भी हैं जिन्हें हमने खुद ही 2-3 टाइम मूवी देखने के दौरान नोटिस कर लिया था, जैसे हैरी के निशान में दर्द हुआ था जब उसने स्नेप को देखा था, बल्कि असलियत में वो इसलिए हुआ था क्योंकि क्विरिल के सिर का पिछला हिस्सा यानी वोल्डेमॉर्ट सीधा हैरी की तरफ देख रहा था। ओलिवर ने जब हैरी को क्विडिच के बारे में बताया था तो स्निच को छोड़ते ही ओलिवर उसे नहीं देख पा रहा था, बल्कि हैरी आराम से देख पा रहा था। सीरियस का नाइस वन जेम्स बोलना हैरी को, जैसे कि वो जेम्स को भी कहता था, और छोटे टॉम रिडल के रूम में 7 को लेकर इम्पोर्टेंस और गुफा वाली जगह की पिक होना। पर आज इस वीडियो में हम ऐसे 10 डिटेल्स की बात करेंगे जिन्हें सिर्फ वो ही नोटिस कर पाए होंगे जिन्होंने मूवी को बहुत ज्यादा ध्यान से देखा होगा। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू आशीष घोष, मोद सोनू कुरैशी, दीपेंद्र शाह 80, सुवोदीप पैन, विजार्डस गेमिंग, Path to Prosperity and Vikwarunsa Begum. Thank you so much Potterheads for becoming the channel member. अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 10th पर है 5th पार्ट में पद्मा का थेस्ट्रल से टकराना। जब हैरी और सभी बच्चे 5th ईयर कंप्लीट करके वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में बग्गी खड़ी होती है जिसमें स्टार्टिंग में बताया था कि थेस्ट्रल्स बंदे होते हैं, और थेस्ट्रल्स हर किसी को दिखते भी नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते जिन्होंने मौत देखी है। इसलिए वापस लौटते टाइम पद्मा बग्गी के पास से जा रही होती है और वो एक थेस्ट्रल से टकरा जाती है जिसे वो देख नहीं पाती। 9th पर है क्रेडिट सीन। 2nd पार्ट के एंड में क्रेडिट सीन के बाद इस सीन को बहुत से लोगों ने नोटिस किया होगा कि गिलरॉय लॉकहार्ट को दिखाते हैं कि वो पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठे हैं। कई लोगों ने 4th पार्ट के एंड में भी क्रेडिट सीन में ये नोटिस कर लिया था कि लिखा हुआ था नो ड्रैगन्स वर हार्म्ड इन मेकिंग ऑफ मूवी, जो कि एक फन एडिट था। पर क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि 1st पार्ट के एंड क्रेडिट में वोल्डेमॉर्ट का नाम वोल्डेमॉर्ट या टॉम मावोलो रिडल ना लिखते हुए ही हु मस्ट नॉट बी नेम लिखा था। 8th पर है बॉबेटन की लड़कियों का ट्राइविजर टूर्नामेंट का डांस। आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट टास्क के स्टार्ट होने पर फ्लर के सपोर्ट में उसके स्कूल की लड़कियां डांस कर रही थी जो कि एक जैसे स्टेप थे। ये स्टाइल माकरेना डांस था, हम सभी ने ये स्पेनिश गाना सुना है जिसका बहुत ही बुरा हिंदी रीमेक भी बनाया गया था। अमेजिंग बात ये है कि बुक्स के अकॉर्डिंग ये टूर्नामेंट 1994 में हुआ था और ओरिजिनल माकरेना सॉन्ग 1993 में रिलीज हुआ था और बहुत ही फेमस हुआ था, इसलिए मूवी में इसे बहुत ही अमेजिंगली डाला गया है कि उस टाइम ये सॉन्ग और इसका डांस हिट था। 7th पर है रॉन और जीनी के कपड़ों की डिटेल। सीरीज में कई बार बताया है कि वीजलीज के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे और इस कारण बच्चे अक्सर सेकेंड हैंड कपड़ों के साथ स्कूल जाते थे, और इसी चीज को बहुत ही अच्छे से कपड़ों में भी दिखाया गया है। रॉन के क्लोक्स का कलर हमेशा फेडेड होता था जो कई सीन में क्लियरली विजिबल भी है, यहाँ तक कि जिनी को भी अपने भाइयों का सेकेंड हैंड कपड़ा ही मिला। और इसका एग्जाम्पल है कि सभी लड़कियां स्कर्ट्स में होती थी, पर जिनी का यह सीन है जिसमें उसने लड़कों की पैंट पहनी है क्योंकि उसे अपने भाइयों का हैंड मी डाउन क्लोथ मिलता था। और रोब्स की बात हो ही रही है तो एक और चीज नोट करने की ये है कि वोल्डेमॉर्ट के रोब का कलर हर हॉक्रस के नष्ट होने के साथ फेड होता जाता था। 6th पर एट सॉर्सरर्स स्टोन मूवी में एक पोर्ट्रेट। जब हैरी सीढ़ियों को बदलते देखता है वहाँ एक पोर्ट्रेट लगी होती है, ये पोर्ट्रेट हेनरी 8th की वाइफ एनी बोलियन की थी। क्या आप लोग जानते हैं कि एनी को रियल वर्ल्ड में मार डाला गया था ये कह के कि वो एक विच थी।
शायद उसी को रिलेट करने के लिए कि वो एक्चुअली एक विच थी, इस पोर्ट्रेट को यहाँ लगाया गया था। पोर्ट्रेट की बात कर ही रहे हैं तो उस पोर्ट्रेट की भी बात कर लें जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी में एक विज़र्ड जिसने काला क्लोक पहना है और गंजा है और पीला है। लोगों ने मान लिया कि वो वोल्डेमॉर्ट है, बल्कि इस बात के चांसेस भी न के बराबर हैं। और दूसरी बात, वोल्डेमॉर्ट ऐसा वापस लौटने के बाद दिखता था ना कि पहले, तो उसकी पेंटिंग उसके आने से पहले ही लग जाए पॉसिबल नहीं। फिफ्थ पर है हैरी पॉटर और प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में लीकी कॉल्ड्रॉन का ये सीन। इसमें हमने ये तो नोटिस कर लिया था कि यहाँ एक विज़र्ड बैठा है जो बुक पढ़ रहा है और स्पून को बिना टच किए हिला रहा है। ये भी नोटिस कर लिया था कि वो स्टीफन हॉकिंस की बुक पढ़ रहा है जो कि टाइम ट्रेवल बेस्ड होती है, और वो मूवी भी पूरी तरह टाइम ट्रेवल के ऊपर ही थी। पर क्या आपने उसके बैकग्राउंड को नोटिस किया, जहाँ एक सफाई करने वाला घूम रहा था, वो टेबल की सफाई करता है और एक कपड़ा बॉटल पर डालता है और वो यूज्ड बॉटल गायब हो जाती है। यानी सीरीज में बैकग्राउंड में इतनी मेहनत की गई है और मैजिकल चीजें हो रही थी जो कई लोगों से मिस हो गई होंगी। फोर्थ पर है फ्रेड और जॉर्ज की डिटेल। पूरी ही सीरीज में हमेशा फ्रेड लेफ्ट साइड और जॉर्ज राइट साइड खड़ा होता है, इसलिए फाइनल सीन में जब सबको पता चलता है कि हैरी जिंदा है, रिफ्लेक्स में जॉर्ज अपने राइट साइड मुड़ता है ताकि वो फ्रेड को बताए कि देखो हैरी जिंदा है। पर वो नोटिस करता है कि अब फ्रेड वहाँ नहीं है क्योंकि वो पहले ही मारा जा चुका था। ये काफी इमोशनल सीन था जो कि बैकग्राउंड में ही कहीं गुम हो गया और कई लोगों ने नोटिस नहीं किया। थर्ड पर है कि चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में जब हैरी डायरी वाली याद में जाता है तब हर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बस हैरी कलरफुल होता है। पर क्या आपने एक बात नोटिस की, जब हैरी डायरी से बात कर रहा था तो वो अपने रूम में बैठा था जहां वो कैंडल जलाकर उसकी रोशनी में डायरी से बातें कर रहा था जो कि हैरी के चेहरे और कपड़ों पर पड़ रही थी। और जब हैरी याद में जाता है हर कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तो होता है, पर हैरी के ऊपर अब भी वो रोशनी आ रही होती है जो रूम में उसके ऊपर आ रही थी, बल्कि याद में कहीं भी उसके आसपास कोई भी कैंडल नहीं होती। Isn't it amazing? सेकंड पर है मॉली का वो क्लॉक जिसमें फैमिली मेंबर्स की तस्वीर थी कि वो लोग किस वक्त कहाँ हैं। इस क्लॉक ने भी कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा क्योंकि इसमें सभी को दो बातें अजीब लगी। पहला था प्रिजन कि बच्चे जेल में होंगे तब भी मॉली को पता चल जाएगा, और दूसरा क्विडिच होम और स्कूल। अगर बच्चे क्विडिच खेल रहे होंगे यानी वो या तो स्कूल में होंगे या फिर घर के पीछे के गराज के बाहर, यानी वो या तो घर पर होंगे या स्कूल में। तो आखिर जब वो क्विडिच खेल रहे होंगे तो क्लॉक क्या दिखाएगा कि बच्चा कहाँ पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि क्लॉक में डेंटिस्ट डिस्प्ले हो रहा था। ये क्लियरली मेंशन्ड है बुक और मूवी दोनों में ही कि विजर्डिंग वर्ल्ड में डेंटिस्ट नहीं होते, या तक कि स्लगहॉर्न भी नहीं जानते थे कि डेंटिस्ट क्या होता है, और मॉली के क्लॉक में डेंटिस्ट लिखा था। और फाइनली फर्स्ट पर है ट्रॉफी रूम की डिटेल। याद है वो सीन जब हरमाइनी हैरी और रॉन को ले जाकर दिखाती है कि हैरी क्विडिच में बेवकूफी नहीं करेगा क्योंकि उसके पिता भी क्विडिच खिलाड़ी थे। यहाँ दो और डिटेल्स थी। एक तो कई लोगों ने नोटिस कर ली थी कि वहाँ एक और नाम लिखा था जो था मैगोनिकल, यानी मैगोनिकल भी क्विडिच खेलती थी और उन्हें अवार्ड मिला था। और बहुत लोगों ने ये भी नोटिस कर लिया था कि उसके पीछे टॉम रिडल को मिला स्कूल के लिए स्पेशल सर्विस वाला शील्ड भी था जो उसे हैग्रिड को पकड़वाने के लिए मिला था। पर क्या आप लोगों ने यहाँ ये डिटेल गौर की, मैगोनिकल वाले शील्ड में जो ईयर लिखा था ये 1971 था। मैगोनिकल का जन्म 4 अक्टूबर 1935 में हुआ था, यानी वो हॉगवर्ट्स 1947 से 1954 तक रही। और फैंटास्टिक बीस्ट को अगर कंसीडर करें तो वो 1971 में ऑलरेडी अपने 60s में आ गई थी, यानी दोनों ही केस में उन्हें 1971 में ये अवार्ड मिलना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, इसमें नाम लिखा था M.G. मैगोनिकल, बल्कि मिनर्वा मैगोनिकल का पूरा नाम था मिनर्वा इजोबेल मैगोनिकल, यानी M.G. मैगोनिकल मिनर्वा नहीं, कोई और स्टूडेंट था या थी हॉगवर्ट्स में जो कि शायद मिनर्वा के भतीजा या भतीजी टाइप कुछ रहे होंगे, पर खुद मिनर्वा के होने के चांसेस न के बराबर हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 डिटेल्स जो कई लोगों से मिस हो गए होंगे मूवी देखते टाइम। आपसे इनमें से कौन सी डिटेल मिस हो गई थी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।